प्रॉब्लम सेट फर्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 14, 16, 26 to 29, 31 and 32 देखना। देखो ध्यान देना, प्रॉब्लम सेट फर्स्ट के अंदर ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करके देख लो, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर जिन क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उन क्वेश्चन का आप वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो आप कंटिन्यू करो आगे, उससे पहले आप सबसे पहले क्या करो, इन क्वेश्चंस को अपनी मर्जी से सॉल्व करके देखो, क्योंकि ऐसा करने से प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। देख क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन 3F टर्म। देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसके लिए देखने हैं, 3F टर्म के लिए। तो माइक्रोस्टेट्स की संख्या क्या होगी एक टर्म के लिए, 2S+1, 2L+1 बता रखा है ना भाई। तो देखो 2S+1, ये 3 पूरी वैल्यू किसकी, 2S+1 की है। F के लिए L इक्वल कितना होता है, L इक्वल होता है 3, तो यहाँ पर होगा 2 × 3 + 1, तो यहाँ पर 7, 7 + 1, 3, 7 + 1, यहाँ पर होगा 2 × 3 + 1, 7, 7 × 3 = 21 यहाँ पर हो जाएगा। तो माइक्रोस्टेट कितने की भाई, 21। आंसर होगा बी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, देख क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है यार, CSIR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन, अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर H1 क्लासेस e-learning ऐप, उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 months, 1 month, 3 month, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उसपे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. ट्रांजिशन देखना है। देखो ट्रांजिशन के लिए क्या रूल है, सिलेक्शन रूल, डेल्टा एस इक्वल 0, डेल्टा एल इक्वल प्लस माइनस 1, डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर 0 + −1। एटॉमिक टर्म सिंबल्स में जब आप देखोगे ट्रांजिशन, तो केवल यही सिलेक्शन रूल काम में आएगा, इसलिए इसी के बात में यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो ए ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 3F2 1D, 3-2-1 है 3F2 1D, डेल्टा एस की वैल्यू 0 आ रही है क्या, नहीं आ रही है, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। बी देखो है, बी में आपको दे रखा है 3F2 3D। देखो बी को चेक करना चाहिए, 3F2 3D इसको चेक कर लेता हूँ। देखो 3 से 3 है, मतलब डेल्टा एस इक्वल 0, मतलब इसको फॉलो कर रहा है, डेल्टा एस इक्वल इसके लिए 0 हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरा सिलेक्शन रूल, डेल्टा एल इक्वल इसके लिए कितना आ रहा है, डेल्टा एल इक्वल देखो एफ डी, डी के लिए एल इक्वल 2 है, एफ के लिए 3 है, डिफरेंस कितना आएगा, प्लस माइनस 1 का ही होगा ना, तो मतलब ये भी अलाउड हो रहा है। नेक्स्ट देखो जे की वैल्यू इसमें दे ही नहीं रखी, अपना काम केवल 2 पर हो जाएगा, मतलब ये ट्रांजिशन सिमेट्रिकली अलाउड होगा, यही अपना आंसर होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन, सी में देखो क्या दे रखा है, सी में दे रखा है 3F2 1P, यहाँ पर भी 3 से 1 है, डेल्टा एस की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब सी भी अपना आंसर नहीं होगा। डी देखो, डी में क्या दे रखा है भाई, डी में दे रखा है 3P02D, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 3F2 3P, इसको चेक कर लेते हैं 3F2 3P। देखो ध्यान देना, डेल्टा एस की वैल्यू तो 0 ही आ रही है यहाँ पर, डेल्टा एस इक्वल 0 आ रहा है, मतलब अलाउड है। डेल्टा एल इक्वल देखेंगे तो देखो एफ के लिए 3, पी के लिए 1, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 − 1 = 2, तो +−2 का डिफरेंस आएगा। देखो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +−1, यहाँ पर कितना आ रहा है, +−2, मतलब ये अलाउड नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो कुल मिलाकर ये ट्रांजिशन नहीं होगा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउ ट्रांजिशन एमंग द फॉलोइंग, बिल्कुल सेम केस है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। ए ऑप्शन 3S से 3D है ना, 3S से 3D अलाउड है, फॉरबिडन, 3S
3-3 आ रहा है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, अलाउड होगा। लेकिन एस से डी है, एस के लिए एल की वैल्यू 0, डी के लिए 2 है, डिफरेंस होगा डेल्टा एल इक्वल प्लस माइनस 2, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। बी देखते हैं, बी क्या दे रखा है। देखो बी आपको दे रखा है 3s से 3p, देखो इसको चेक कर लो आप 3s से 3p, देखो डेल्टा एस इक्वल 0, डेल्टा एल इक्वल प्लस माइनस 1 हो रहा है, 0 एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, तो इसका मतलब डेल्टा एस इक्वल 0 फॉलो हो रहा है, डेल्टा एल इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन अलाउड है, ये अपना आंसर होगा। देखो नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या दे रखा है, 3s से 1d, देखो 3-1 आ रहा है, ये तो अलाउड होगा ही नहीं। डी में देखो 3s से 1f, यहाँ पर भी 3-1 आ रहा है, ये भी अलाउड नहीं होगा, मतलब सी भी अपना आंसर नहीं होगा और डी भी अपना आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा, बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को हमने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया है, समझ में आ रहा है सभी को। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउ ट्रांजिशन इन ए D2 एटॉमिक सिस्टम। देखो D2 एटॉमिक सिस्टम में इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउ ट्रांजिशन देखना है, देखो D2 सिस्टम का केस यहाँ पर दे रखा है। चलो ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन क्या दे रखा है, 3p से 1d, 3-1 आ रहा है भाई, ऐसे भी अलाउड नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, बी क्या दे रखा है, बी दे रखा 3f से 1p, यहाँ पर भी 3-1 आ रहा है, ये भी अलाउड नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या है, 3f से 3d, इसको देख लेंगे अपन। देखो 3 अलाउड है, एफ से डी, यहाँ पर एल की वैल्यू 2, यहाँ पर एल की वैल्यू 3, प्लस माइनस 1 का डिफरेंस होगा, तो डेल्टा एस इक्वल 0 हो गया, डेल्टा एल इक्वल भी प्लस माइनस 1 हो गया, कुल मिलाकर इससे भी अलाउड है, इससे भी अलाउड है, तो ये ट्रांजिशन अलाउड होगा, ये अपना आंसर हो सकता है। फिर डी भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम। देखो डी में आपको क्या दे रखा है, 3f से 3p, डी के अंदर दे रखा है 3f से 3p, देखो 3f से 3p, देखो डेल्टा एस इक्वल 0 आ रहा है, लेकिन डेल्टा एल की वैल्यू की बात करें तो प्लस माइनस 2 आ रहा है, एफ के लिए एल इक्वल 3 है, पी के लिए 1 है, इसलिए प्लस माइनस 2 का डिफरेंस है, इससे अलाउड है, इससे फॉरबिडन है, कुल मिला के ट्रांजिशन नहीं होगा, ये फॉरबिडन होगा। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर एक ही तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसके अलावा तो बाकी तो फॉरबिडन हो गई, अब एक ट्रांजिशन पॉसिबल है तो अपना यही आंसर होगा। लेकिन सपोज करो कि ऐसे अपन को एक से ज़्यादा ट्रांजिशन दिख जाए जो अलाउड है, मान के चलो थोड़ी देर के लिए ये भी अलाउड आ जाता, तो उस कंडीशन में फिर कैसे पता करते कि ये होगा सही, ये होगा सही। यहाँ पर आपको D2 सिस्टम दे रखा है, D2 सिस्टम की अगर बात करें तो इसके लिए टर्म कौन कौन सी बनती है, देखो D2 सिस्टम के लिए 3p 3f 1g 1d 1s, ये टर्म बनती है यहाँ पर। अब देखो ये टर्म यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर देखो ये तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं, 3f से 3p तो दे रखा है, लेकिन ये अलाउड यहाँ पर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर क्या है कि अगर मान लो आपको डायरेक्ट ऐसा केस, अगर दो या दो से अधिक ऑप्शन ऐसे मिल जाए, ठीक है ना, जिनमें ट्रांजिशन अलाउड हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप चेक कर लेना कि गिवन टर्म यहाँ पर है या नहीं है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर 3f तो है ना, 3d यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, पॉसिबल हो, ठीक है ना। तो देखो 3f तो है यहाँ पर, है या नहीं, लेकिन सपोज करो कि कोई ऐसी टर्म यहाँ पर होती जो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होती, ग्राउंड स्टेट पर पॉसिबल ही नहीं होती, लोअर एनर्जी वाली टर्म, तो उस कंडीशन में फिर वो ट्रांजिशन ऐसे भी नहीं होता, क्योंकि स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी, D2 सिस्टम के। तो अब समझ में आ गया होगा कुल मिलाकर क्या करना है, या तो आपको देखने से डायरेक्ट ही पता चलेगा कि जो 4 ट्रांजिशन है उनमें से 3 तो हो ही नहीं रहे, अलाउड है ही नहीं, बचा एक जो अलाउड है। लेकिन ऐसा तो आपको कब देखना है, जब आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, जैसे ए भी आपके अकॉर्डिंग अलाउड है, बी भी आपके अकॉर्डिंग अलाउड है, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि ए में मान लो यहाँ पर आ गया 3f, और बी में सपोज करो यहाँ पर 5g आ गया, मान लो इस तरह से, ये ट्रांजिशन ऐसे है, ये ट्रांजिशन ऐसे है। अब 5g तो इसमें हो ही नहीं, होगा ही नहीं ना, तो कुल मिलाकर फिर अपना आंसर ये नहीं हो सकता, फिर आंसर केवल ये होगा।
कन्या कमला दो या दो से अधिक ऑप्शन ऐसे आ जाए जिसमें आपको लगता है कि ट्रांजिशन अलाउड है, तो फिर आप चेक कर लो कि गिवन टर्म अवेलेबल तो है ना। एक तो दिए गए सिस्टम की वो टर्म बनती नहीं हो तो ट्रांजिशन फिर नहीं होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देख, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल जिमान इफेक्ट द ट्रांजिशन 1d2 टू 1p1 स्प्लिट इन टू 1d2 टू 1p1 ट्रांजिशंस की बात कर रहा है, और ये पूछ रहा है कि जीमान इफेक्ट के दौरान, जीमान इफेक्ट के दौरान ये ट्रांजिशन होगा वो कितने लाइंस के अंदर स्प्लिट होगा, कुल मिलाकर ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो डेल्टा एस इक्वल जीरो अलाउड, देख लेते पहले अलाउड है या नहीं। डेल्टा एल इक्वल प्लस माइनस वन हो जाएगा, डेल्टा जे इक्वल यहाँ पर प्लस माइनस वन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कुल मिला के डेल्टा जे इक्वल प्लस माइनस वन है, इसके अकॉर्डिंग अलाउड है भाई। डेल्टा जे अलाउड ट्रांजिशन के लिए जीरो प्लस माइनस वन हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस वन आ रहा है मतलब ये अलाउड है, ठीक है ना। अब डेल्टा जे इक्वल प्लस माइनस वन है तो स्पेक्ट्रल लाइंस आप कैसे निकालोगे, 3 2j + 1 फॉर्मूले से, यहाँ पर जे की कौन सी वैल्यू काम में लेनी है, लोअर वैल्यू आपको काम में लेने हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल 3j, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, लोअर वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पर होगा 2 × 1 + 1 इक्वल यहाँ पर 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक लाइंस कितने लाइंस में टूटेगी, 9 लाइंस के अंदर टूटेगी, तो ये अपना आंसर होगा ये। तो देखो 9 लाइंस कौन से ऑप्शन में दे रखे भाई, ए ऑप्शन में दे रखे ना, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो सभी, देख क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन टर्म 1g ईच, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन टर्म 1g है जी, 1g के अंदर कितने माइक्रोस्टेट है, तो भाई वही 2s + 1, 2l + 1, एल की वैल्यू जी के लिए कितने 4 है, जी के लिए एल की वैल्यू कितने 4 है या नहीं है। तो देखो ये 2s + 1 के स्थान पर तो सीधा ही आ जाएगा 1 × एल के स्थान पर 4 रखोगे तो यहाँ पर होगा 2 × 4 + 1 तो 9, टोटल होगी 9। तो कुल मिला के माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर कितने होगी, 9 होगी, माइक्रोस्टेट्स कितने होगी यहाँ पर 9 होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर देखो कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। जी के लिए देख लो एक बार चेक कर लो, एल की वैल्यू 4 आ रही है ना, जी के लिए एल की वैल्यू 4 आ रही है ना, देखो 0 1 SPDFG ध्यान देना, SPDFG यहाँ पर आ गए, 0 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए, जी के लिए एल की वैल्यू 4 ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देख, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ऑन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ टाइटेनियम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d1 4p1 द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद 0 टोटल स्पिन फॉर द कन्फिग्रेशन एच। देखो इसको करके देखना पड़ेगा अपन को सॉल्व अच्छी तरह से, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है 27, क्वेश्चन नंबर 27 चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ टाइटेनियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो टाइटेनियम के एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 4s2 3d1 4p1 यहाँ पर है, 4s2 3d1 4p1 यहाँ पर है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद 0 टोटल स्पिन फॉर द कन्फिग्रेशन, आपको माइक्रोस्टेट्स देखने कितनी होगी, ठीक है ना, वेन टोटल स्पिन इक्वल कितना है 0, मतलब एस की वैल्यू 0 करते हुए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपको यहाँ पर देखने हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो एक तो हो गया डी का केस d1, एक हो गया p1 का केस, इससे देखो कौन से टर्म बनेगी 2d, इससे देखो कौन से टर्म बनेगी, इससे कौन से टर्म बनेगी 2p, बनेगी नहीं बनेगी। अब इसमें आप देख लो कितने माइक्रोस्टेट बन रही है एस के वैल्यू 0 करते हुए,
एस की वैल्यू जीरो करने पर माइक्रोस्टेट कितनी होगी, देखो वैन एस इक्वल जीरो तो माइक्रोस्टेट इक्वल क्या होगा, देखो अब टू एस प्लस वन, टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन। अब देखो एस की वैल्यू तो आपको जीरो ही माननी है, एस की वैल्यू यहाँ से नहीं निकालनी है आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, आपको उसको तो अब जीरो ही मानकर चलना है। तो एस की वैल्यू जीरो रखते हैं, टू इंटू जीरो प्लस वन इक्वल वन हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा वन। एल की वैल्यू कितनी, डी के लिए एल की वैल्यू टू होती है, तो टू इंटू टू प्लस वन फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल फाइव। तो इसके लिए माइक्रोस्टेट कितनी हो गई, फाइव हो गई। इस केस में एस की वैल्यू जीरो करने पर माइक्रोस्टेट फाइव हो जाती है। अब इसके लिए देख लेते हैं वेन एस इक्वल जीरो, इसके लिए माइक्रोस्टेट कितनी होगी, चलो देखते हैं। माइक्रोस्टेट इक्वल वही टू एस प्लस वन और टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन। कॉन्सेप्ट सारी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखो एस की वैल्यू तो जीरो है, एल की वैल्यू आपको पी के लिए कितनी लेनी है, वन। एस की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी भाई उससे मतलब नहीं है, अभी अपन को केवल उन माइक्रोस्टेट्स को देखना है जिनके लिए एस इक्वल जीरो है, इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा किया है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्टेट्स इक्वल यहाँ पर हो गया वन, टू इंटू जीरो प्लस वन वन, यहाँ पर हो जाएगा थ्री, तो इक्वल होगा थ्री। तो कुल मिलाकर इसके केस में माइक्रोस्टेट कितने आए, एस की वैल्यू जीरो करने पर फाइव, इसके केस में कितने आए थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा सौ। सौ माइक्रोस्टेट्स फॉर फॉर डी वन पी वन, डी वन पी वन कन्फिग्रेशन वैन एस इक्वल जीरो, इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है फाइव आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है थ्री आ रहा है, तो फाइव इंटू थ्री इक्वल फिफ्टीन, यहाँ पर होगा फिफ्टीन। अपना आंसर कितना होगा यहाँ पर भाई, फिफ्टीन होगा। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करके भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाक्य में इसके लिए एस की वैल्यू जीरो करने पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 15 ही होगा, एस की वैल्यू जीरो करने पर यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 15 ही होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, देखो समझना आप, यहाँ पर फॉर्मूले से तो एक्सप्लेन हो ही गया कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो लॉजिकली इसको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन्स भर कर कि आपको इसको कैसे करना है। चलो देखते हैं, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, ये डी ऑर्बिटल, वन टू थ्री फोर फाइव। पी के अंदर भी वन इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री, ये पी। देखिए यहाँ पर प्लस टू प्लस वन जीरो, माइनस वन माइनस टू, और यहाँ पर प्लस वन जीरो माइनस वन, ये D का केस हो गया, ठीक है D1 का, और ये P1 का केस हो जाएगा, P1 का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पर, समझना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना किसी को। अब देखो समझना है यहाँ पर, आपको स्पिन हमेशा अपोजिट रख ली, जैसे सपोज करो आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिया, ये इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन भरना था डी के अंदर, वो आपने कहाँ भर दिया, यहाँ पर। अब देखो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है पिक के अंदर, वो आप यहाँ पर भर दो, लेकिन इसकी स्पिन आप सेम नहीं रख सकते क्योंकि आपको रिजल्टेंट स्पिन जीरो करनी है, तो इसकी स्पिन आप अपोजिट करो। ये अब इसकी स्पिन ये है, इसकी स्पिन अपोजिट हो गई, तो देखो प्लस आप और माइनस आप, प्लस आप माइनस आप जीरो होगा नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू अपने आप यहाँ पर जीरो हो गई। इसको यहीं पर फिक्स कर लो, और इसको आप अपोजिट स्पिन के साथ इसमें भी भर सकते थे, ठीक है ना। तो देखो ये एक केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, इसको तो यही फिक्स करो, इसको यहाँ भर दिया। फिर नेक्स्ट केस देखो, इसको तो यही फिक्स करो और इसको अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ भर दो, इसको अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर भर दो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर देखो आगे चलते हैं, और अब इसको यहाँ पर भर दिया, टू वाला केस खत्म हो गया, अब इसको आप यहाँ भर दो, यहाँ पर। अब इसको अपोजिट स्पिन के साथ वापस, इसको तो यहाँ भर दिया और इसको अपोजिट स्पिन के साथ इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, वापस तीन पॉसिबिलिटी, यहाँ पर भर सकते हैं और यहाँ पर, देखो यहाँ पर भर सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर भर सकते हैं, अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पर भर सकते हैं, ये। तो यहाँ पर भी तीन केस बन जाएंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ पर भरा अपन ने, तो वापस कितने केस बन गए, थ्री केस। फिर इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरो
और इस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अपोजिट स्पिन के साथ भरो, फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरो, इसको या अपोजिट स्पिन के साथ भरो, फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरो, इसको या पर अपोजिट स्पिन के साथ भरो, कितनी पॉसिबिलिटी होगी काउंट करना। देखो सबसे पहले इसको यहाँ भरा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन के साथ या और यहाँ पर भरा, तीन पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ पर थ्री पॉसिबिलिटी बनी नहीं बनी। फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरा ना, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरा, तो वापस थ्री पॉसिबिलिटी फिर बन गई, ये थ्री पॉसिबिलिटी यहाँ पर फिर बन गई है, 1 2 3 समझ में आ रहा है ना। फिर इस इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ भरेंगे तो फिर थ्री पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर यहाँ भरेंगे तो फिर थ्री पॉसिबिलिटी, फिर यहाँ बनेंगे तो फिर थ्री पॉसिबिलिटी, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 प्रत्येक के लिए थ्री पॉसिबिलिटी, टोटल यहाँ पर 5 है, तो 3 × 5 15 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। तो डायरेक्टली लिख दो मैं नीचे एटसेट्रा कर दो, एटसेट्रा, एक के लिए 3 बनी है, टोटल कितने 5 है, तो 3 × 5 इक्वल 15 माइक्रोस्टर्स विद एस इक्वल 0। एस इक्वल 0 करने पर टोटल माइक्रोस्ट्रक्चर यहाँ पर 15 बनेगी, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स भर के भी देख सकते हो, फॉर्मूले से भी देख सकते हो, लेकिन भाई अभी तो देखो D1 P1 का केस है, तो आपको 1-1 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, तो आसानी से कर सकते हो चेक। लेकिन सपोज करो कि हायर कन्फिग्रेशन हो, जैसे D2 P2 इस टाइप का केस हो, अपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन कर रखा है किसमें नोट्स के अंदर, है ना, क्लास में बता रखा है ऑलरेडी, तो अपन को अभी करके नहीं देखना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर केस जैसे D2 और P2 का हो, तो उस कंडीशन में तो एस इक्वल 0 के साथ भी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बनेगी, उनका भर भर के थोड़े देख सकते हो, आपका पूरा पेपर ही निकल जाएगा, तब तक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप फॉर्मूला ही अप्लाई करो, जैसा आपको तरीका बता रखा है उसे अप्लाई करो, उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा और आपका आंसर फास्ट आएगा, गलती के चांस कुछ भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कंप्लीट, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, 27 क्लियर है। देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 देख, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डेट केन डेट आर पॉसिबल व्हेन टू पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट्स, ठीक है ना, सच डेट द रिजल्टिंग वेव फंक्शन आर एंटीसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स। देखो रिजल्टिंग वेव फंक्शंस एंटीसिमेट्रिक, एक्चुअली परमियन का केस होता है, सब कुछ डिटेल में स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स में देखते हैं, यहाँ पर भी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला बताए उसको डायरेक्ट काउंट में डायरेक्ट आप अप्लाई करना। देखो यहाँ पर दे रखा है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आर पॉसिबल व्हेन 2 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट, ठीक है ना। देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लेना अलग से, उस टाइम नहीं लिखा है था, अभी लिख लेना। देखो when n number of particles are distribute in m states with their occupancy number n1 n2 है ना n3 etc then number of microstates इक्वल यहाँ पर होता है, देखो microstates इक्वल यहाँ पर होता है factorial n1 factorial n2 factorial n3 factorial etc, ठीक है ना। यहाँ पर ये होगा when n number of particles are distributed in m state, यहाँ पर इस m state से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर n factorial है, ठीक है ना। तो when n number of particles are distributed in m state with their occupancy number n1 n2 n3 etc then number of microstates, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं रिजल्टिंग वेव फंक्शन, यहाँ पर एंटीसीमेट्रिक बता रखा है,
वो फर्मियन का केस है। फर्मियन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अपन किसमें, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया, सपोज करो हमने लिया फोर पार्टिकल्स को अलग अलग स्टेट्स में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया विद देयर ऑक्यूपेशन नंबर। फोर पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, फोर पार्टिकल्स ऑक्यूपेशन नंबर हमने बता दिया, ऑक्यूपेशन नंबर इक्वल 1, 2, 2। यह इसका मतलब है कि फोर पार्टिकल्स, ये थ्री बॉक्स मान लिया, ऑक्यूपेशन नंबर कितना है 1, 2, 2। इसका मतलब एक बॉक्स के अंदर केवल वन पार्टिकल होगा, दूसरे बॉक्स में 2 पार्टिकल होगा, तीसरे बॉक्स में 2 पार्टिकल्स होगा। अब 4 है ना टोटल, तो 1 यहाँ पर कर देता हूँ, 1 तीसरे बॉक्स में 1 पार्टिकल होगा। तो कहने का मतलब 4 पार्टिकल्स का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑक्यूपेशन नंबर बता दे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑक्यूपेशन नंबर 1, 2, 1, इसका मतलब एक बॉक्स में केवल 1 पार्टिकल जाएगा, दूसरे बॉक्स में 2 पार्टिकल जाएगा और तीसरे बॉक्स में 1 पार्टिकल जाएगा। बताइए इनको कितने प्रकार से अपन भर सकते हैं, इनको कितने प्रकार से अपन भर सकते हैं, ये ऑक्यूपेशन नंबर है, ये माइक्रोस्टेट होगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर फिक्स कर दिया कितने पार्टिकल्स को अलग अलग बॉक्स में इतने इतने आपको डालना है, वही ऑक्यूपेशन नंबर है, माइक्रोस्टेट कितने होगी, इस तरह का केस है, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्यूपेशन नंबर 1, 2, 1, ये एक्चुअली N1, N2, N3 इनकी वैल्यू होगी, ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया N3। जरूरी थोड़ी यहाँ पर 3 तक ही हो, और भी हो सकता है, इसलिए आगे भी कर दिया। और इन सभी का सम करोगे ना तो N आएगा, तो N इक्वल क्या है, इन सब का सम है, ये होगा जैसे N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से आप कंटिन्यू आगे चल सकते हो। अब चलो क्वेश्चन को करते हैं अपन, आप इसको लिख लेना फॉर्मूले को, ठीक है ना। क्वेश्चन को करते हैं अपन, क्वेश्चन कौन सा है, 28 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर डेट आर पॉसिबल व्हेन टू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, टू पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर स्टेट्स, टू पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर स्टेट सच डेट द रिजल्टिंग वेव फंक्शंस आर एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ देयर पार्टिकल। देखो क्वेश्चन नंबर 27 इसको लिख लेना, 28 इसको लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं अपन यहाँ से, देख कैसे करोगे, टू पार्टिकल्स एन की वैल्यू दे दी 2, ठीक है, टू पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर स्टेट सच डेट रिजल्टिंग वेव फंक्शंस आर एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको दे दिया कितना, 4 स्टेट्स, एम की वैल्यू दे दी 4, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट्स के लिए, इसके लिए तो नॉर्मल फॉर्मूला काम में आ जाएगा, फैक्टोरियल एम, एन फैक्टोरियल एम माइनस एन फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर ऑर्बिटल का केस थोड़ी है, ऑर्बिटल का केस नहीं है ना, ऑर्बिटल के केस में तो एम किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल को, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर सिंपल केस है, पार्टिकल्स का केस है, तो एम क्या है, नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखी, एम की वैल्यू दे दी 4, एन की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया 2, यहाँ पर 4 माइनस 2 ये कर देता हूँ फैक्टोरियल 2, देखो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 × 1 × यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको काटोगे तो 2 × 3 इक्वल यहाँ पर होगा 6, 2 × 3 इक्वल 6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स कितने आ गए भाई, 6 आ गए। तो ये तो नॉर्मल केस है, इसका केस नहीं है, इसका केस भी आएगा अभी आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ गए 6, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो नॉर्मल केस हो गया, नंबर ऑफ स्टेट आपको दे रखी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखा है, ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इतने माइक्रोस्टेट्स बनेंगे, मतलब आप 2 पार्टिकल्स को 4 स्टेट के अंदर 6 टाइप से, 6 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर 6 आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद देयर ऑक्यूपेशन नंबर 1, 2, 3 इन 3 स्टेट्स। देखो स्टेट दे दिया m इक्वल 3, ठीक है,
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया 6 और ऑक्यूपेशन नंबर आपको दे दिया, ऑक्यूपेशन नंबर यहाँ पर कितना दे दिया आपको, ऑक्यूपेशन नंबर दे दिया 1, 2, 3। कहने को बोला ये N1 की वैल्यू हो गई, ये N2 की वैल्यू हो गई, N3 की वैल्यू हो गई, ये N3 की वैल्यू हो गई। अब दिया ना ऑक्यूपेशन नंबर, इसका मतलब ये इस फॉर्मूले का केस है, ये इस फॉर्मूले का केस है। चलो करके देखते हैं माइक्रोस्टेट इक्वल। देखो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल कितने हो गए 6, तो यहाँ पर हो गया 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या होगा, ऑक्यूपेशन नंबर 3 स्टेट दे रखे ना, तो देखो N1 की वैल्यू तो 1 दे दिया तो 1 फैक्टोरियल, इनटू N2 की वैल्यू 2 दे दिया तो 2 फैक्टोरियल, इनटू N3 की वैल्यू यहाँ पर 3 दे दिया ये, तो यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल। इसको करके देखें सोल्व, तो देखो यहाँ पर होगा 6 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 × 2 × 1 यहाँ पर × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काट दो, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो देखो 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60, तो यहाँ पर होगा 60, तो माइक्रोस्टेट इक्वल यहाँ पर होगा 60। कहने का मतलब ये, यदि आपको 3 स्टेट है, 3 स्टेट ये यहाँ पर फिक्स कर दिया कि इस एक बॉक्स के अंदर, ये 3 बॉक्स मान लो आप, 3 बॉक्स है, फिक्स कर दिया कि एक बॉक्स में आपको 1 पार्टिकल भरना है, एक बॉक्स में आपको 2 पार्टिकल भरने हैं, एक बॉक्स में आपको 3 पार्टिकल भरने हैं। अब इन पार्टिकल्स को इन बॉक्स के अंदर, ये टोटल 6 पार्टिकल हो गया ना, तो इन 6 पार्टिकल को इन बॉक्स के अंदर इन ऑक्यूपेशन नंबर के साथ कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, वही माइक्रोस्टेट है। कितने प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल आंसर आएगा 60। टोटल आंसर क्या आएगा 60। समझ में आ गया होगा, क्लियर है मेरे हिसाब से, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। गिन गिन के नहीं देख सकते अपन, फॉर्मूले के बेसिस पे आपको चलना है, तभी क्वेश्चन पास्ट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन पास्ट सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, द लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन इन क्रोमियम 3rd कॉम्प्लेक्स इज वेरी इन द ऑर्डर। देखो लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन, लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशंस, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स आपको जो दे रखा है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है और सभी में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है ना, लेकिन लिगेंड अलग अलग है। तो डायरेक्ट देखो ये तो फिक्स हो गया, सभी में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर एक तो Cl है लिगेंड, एक में वाटर लिगेंड है, एक में En एथिलीन डाइमिन लिगेंड है, एक में Cn- लिगेंड है। तो देखो ध्यान देना, लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन किस प्रकार से वेरी करता है इसकी बात कर रहा है। अब देखो एक्चुअली देखा जाए तो ये ऑर्गल डाइग्राम का केस है, आगे पढ़ेंगे अपन। ऑर्गल डाइग्राम किसका केस है, ऑर्गल डाइग्राम का केस है। ऑर्गल डाइग्राम के बेसिस पर हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन क्या होगा। ये समझा कि जैसे मान लो कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरह से ट्रांजिशन हुआ, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इस तरह से कुछ भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो इनमें देखो कि अलग अलग एनर्जी के ट्रांजिशन है, तो सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा, है ना, यहाँ पर सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा। अब देखो जो सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा वो लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन हो गया। सबसे कम एनर्जी के ट्रांजिशन को कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्गल डाइग्राम के बेसिस पर फाइंड करते आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी कर डायरेक्ट भी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। भाई ये तो फिक्स हो गया ना कि जहां पर वीक लिगेंड है वहां पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कम होगी, जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम है, कम एनर्जी आपको चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा है, ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए। तो कुल मिला के लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ तो देख लो, बाकी ऑर्गल में बहुत डीपली अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, देखो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, देखो ध्यान देना, अगर हम इन सभी लिगेंड की बात करें तो क्या होगा। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने से आपका पता चलेगा कि ये वीक लिगेंड है, इससे स्ट्रॉन्ग ये लिगेंड है वाटर, इससे भी लिगेंड En है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn- है, ये लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है ना, वीक और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब देखो
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस के दौरान जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम में आएगा, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लोवेस्ट एनर्जी जो डी ट्रांजिशंस वेरी करेगा वो इसी फॉर्म में वेरी करेगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, सो रिलेशन यहाँ पर क्या होगा, देखो एक तरह से डेल्टा की बात में कर लेता हूँ, स्प्लिटिंग की बात कर लेता हूँ, लोवेस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशंस। देखो इसके लिए एनर्जी का ऑर्डर अपन देखना है, डेल्टा ई लोवेस्ट एनर्जी डी डी ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी का ऑर्डर, यहाँ पर सबसे कम एनर्जी चाहिए क्योंकि वीक लिगेंड है, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कम होगी, तो यहाँ पर होगा Cr Cl6 -3। इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर होगा Cr H2 का होल 6 + 3। यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग और ज़्यादा होगी, तो ये बाद में आएगा Cr En3 + 3। यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग और ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर होगा Cr Cn6 - 3। ये ऑर्डर होगा। अब देख लो ये ऑर्डर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑर्डर आपको दे रखा है ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि लोवेस्ट एनर्जी डी डी ट्रांजिशंस ये हो सकता है किसी के समझ में नहीं आया हो, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जरूरी नहीं किसी कॉम्प्लेक्स में वन डी डी ट्रांजिशन हो, डी डी ट्रांजिशन की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में डी डी ट्रांजिशन की संख्या 3 है, अब 3 जो डी डी ट्रांजिशन है उनमें से ये कम ज़्यादा एनर्जी के होंगे नहीं होंगे, तो जो सबसे कम एनर्जी का डी डी ट्रांजिशन है वो है लोवेस्ट एनर्जी डी डी ट्रांजिशन। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना सभी में आइडेंटिफाई तो अपन लोवेस्ट एनर्जी डी डी ट्रांजिशन को ही करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अलग अलग कॉम्प्लेक्स में उस डी डी ट्रांजिशन के लिए भी तो एनर्जी कम ज़्यादा होगी, समझ में आ रहा है ना। इस कॉम्प्लेक्स में जो तीन ट्रांजिशन है, यहाँ पर तीन ट्रांजिशन में जो सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन है, इस कॉम्प्लेक्स में उसकी एनर्जी और कम होगी, इसमें उसी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें उसी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी और बढ़ जाएगी, इसमें उसी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो जो लोवेस्ट एनर्जी डी डी ट्रांजिशन है वह इन कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार से वेरी करेगा। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को नहीं होगा, फिर भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो ऑर्गेल जब पढ़ेंगे तो बिना बताए ही सारे डाउट ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट आपके अब समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, देखो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, देखो द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए आपको माइक्रोस्टेट देखने हैं। देखो ध्यान देना, सबसे पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करना है। देखो इसके लिए m = π/10 हो जाएगा, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके लिए 5 होगा नहीं होगा, क्योंकि आप डी ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आएगा, तो माइक्रोस्टेट इक्वल कैसे होगा, 10 factorial upon, यहाँ पर क्या होगा n factorial की जगह 5 factorial into n minus m minus n factorial, तो 10 - 5 factorial, ये फॉर्मूला हो गया m factorial n factorial m minus n factorial, हो गया फॉर्मूला। चलो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 factorial अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 factorial, 5 factorial से 5 factorial को काट दो, बाकी को भी काट के देखते हैं, इसको 2 times काटो, इसकी बात करें तो इसको भी 2, इसकी बात करें तो इसको 3, इसकी बात करें तो इससे इसको काट दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो कुल मिला के माइक्रोस्टेट्स देखेंगे तो कितनी होगी भाई, माइक्रोस्टेट देखो ध्यान देना यहाँ पर कितना रहा है, 2 × 3 × 7 × 6, समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और इधर हो गया तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइक्रोस्टेट इक्वल, देखो 7 × 3 × 2 = 6, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, माइक्रोस्टेट इक्वल 7 × 6² ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दे रखा है। अपन डायरेक्ट चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 252 आ जाएगा, कितना देखो 6 × 6 = 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 7 × 6 कितना हो जाएगा 42, यहाँ पर 4 21
21 + 4 = 25, 252। लेकिन आपको ऑप्शन इस तरह से नहीं दे रखा, आपको ऑप्शन इसी फॉर्म में दे रखा है, तो आंसर होगा 7 × 6^2। कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है कि आप एटॉमिक टर्म सिंबल्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, एटॉमिक टर्म सिंबल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होगा नहीं होगा किस प्रकार से देख सकते हो, माइक्रोस्टेट के क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको आपको कैसे सोल्व करना है, और इसी तरह से जीमान इफेक्ट के क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, वो सारे केस यहाँ पर अब आपके क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? चलो करो इसको कंप्लीट नोट।